नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल गाने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा इस समय सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं, और परेशान भी इसलिए क्योंकि मीत हुड्डा के बच्चों पर अब इस समय फोकस बना हुआ है, सगुन और साथ में मनमीत के भाई का। जी हाँ, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को हम हमेशा हमेशा के लिए एक्सपोज करके और इस घर से निकाल सकें। लेकिन दोस्तों, मीत हुड्डा का निकलना इस घर से इतना भी असंभव नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इधर सरकार ने पूरी जिम्मेदारी मीत हुड्डा के कंधे पर दे दी है कि तुम चाहो जो फैसला चाहे वो ले सकती हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अपने पद से मुक्त हो चुके हैं सरकार, और सरकार ने बोल दिया है मनमीत और मीत हुड्डा दोनों से कि अब तुम जैसे चाहो वैसे इस प्रॉपर्टी का पूरी तरीका से आपका हक है, और इस गांव की सरपंच बन चुके हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो अधिकार मनमीत के फादर सरकार पर था उस समय, लेकिन अब वो ही पद मीत हुड्डा को दे दिया गया है, और मीत हुड्डा को उस पद को देने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि आप लोग जानते हैं कि खुद सरकार ही है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बापू सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीका से इस पद को इन लोगों को दिया है ताकि किसी भी तरीका से कोई इस पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय मनमीत का साफ साफ बोलना यह है कि अगर मेरे भाई ने किसी भी तरीका से कोशिश की इस घर को बर्बाद करने की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वाकई में दोस्तों, मनमीत का भाई इस समय कुछ भी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लेकर आ रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी एक और भी नया रूप लेकर आएगी, जिसके लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू।